नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बियॉन्ड 24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही है असंध से जींद मार्ग की, जहां अभी अभी एक हादसा हुआ है और एक हादसे में करीब 3 से 4 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साइड में किया जा रहा है ताकि दोस्त बताओगे कुछ कैसे हुआ ये देखा किसी ने जी कौन सा भाई सर बताओगे इसके बारे में कैसे कुछ हुआ है? कुछ नहीं पता बड़े भाई, धुंध है, धुंध में कुछ नहीं पता लगता। धुंध की वजह से बताया जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया ये हादसा कैसे हुआ। और आप देख सकते हैं किस तरह से रोड के ऊपर जो शीशे हैं वो टूट कर पूरी तरह से बिखर चुके हैं। और जो ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर काम चल रहा था 4 लाइन मार्ग का, उसी की जी भाई जी बताओगे कैसे हुआ ये? सुबह का टाइम हुआ जी। आप कितने बजे? करीब 7 के बजे। अच्छा, किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, कोई चोट नहीं, चोट से बच गए सब। बच गए सभी? बस में सवारी थी? हाँ, सवारियाँ थी बस में। उनको चोट तो लगी? नहीं, किसी को चोट। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमलजीत सिंह है। कमलजीत सिंह, देखिए जैसा कि कमलजीत भाई ने बताया कि सुबह ये हादसा हुआ है और असंध पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही है बियॉन्ड 24 पर। और हादसा कभी भी और किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए धुंध का मौसम है। अपने वाहन को बड़ी तो ये चाहते हैं सर जी, यहाँ पे कोई सुविधा होनी चाहिए, जैसे कोई ब्रेकर लगा दे इस साइड उस साइड, ये काम चल रहा है ना, जैसे जिस साइड से भी गाड़ियाँ आती है उधर से भी आती है, तो यहाँ पे ब्रेकर होने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही तो डिमांड की है। जो हाईवे वाले हैं ना, इनकी तरफ से थोड़ा सुविधा होनी चाहिए इनकी, जो ट्रैफिक आती है, क्योंकि अब धुंध का टाइम है, इधर से हाईवे का भी काम चल रहा है, इधर से भी गाड़ियां आती है, चारों तरफ से आवाजाही है और बड़े वाहन गुजरते हैं, कि थोड़ी सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सही मांग उठाई है यहाँ पर कि जैसे कि 4 नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है और इसी के मध्य देखते हुए दोनों साइड ब्रेकर जरूर होने चाहिए, ताकि जो दूसरे वाहन है उसे क्रॉस करने में कोई परेशानी ना हो। ये तस्वीरें आप सबके सामने बियॉन्ड 24 आपके अपनी आवाज़ पर पहुंच रही है। और इस हादसे के बाद जो कैंटर हैं वो पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए काम रुक गया है। देखिए किस तरह से क्रेन की सहायता से जो हादसे का शिकार हुए हैं वाहन, उनको साइड में किया जा रहा है। और ये 4 लाइन का काम चला हुआ है, जो 4 लाइन मार्ग बन रहा है उसका काम चल रहा है। और हादसे की वजह से आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो बड़े वाहन हैं जो मिट्टी के भरे हुए हैं, वो काम रुक गया है यहाँ पर। और हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो वाहन हैं उन्हें क्रेन की सहायता से साइड में किया जा रहा है। और यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले दिनों इसी मार्ग पर करीब 1 महीने में 10 से 15 हादसे हो चुके हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में ये हादसे हुए हैं। और जैसे ही वाहनों को साइड में किया गया उसके बाद और असंध पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और एक बार फिर से वाहनों का काम शुरू हो चुका है, आवाजाही शुरू हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर लोगों को बचाते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हें पहले ही सावधान किया जा रहा है कि आप ध्यान से आए, आगे हादसा हो चुका है। और एक बार फिर काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही है बियॉन्ड 24 पर। और असंध पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है, घटनास्थल का जायजा ले रहा है और आगे की कार्रवाई वो शुरू हो चुकी है।
करीब 3 से 4 वाहन यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हुए हैं, हादसे का शिकार हुए हैं। और इस हादसे में अभी तक जो जानकारी मिली है, किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हादसे होते हैं तो वाहनों को तो नुकसान होता ही है, जब कोई बड़ा हादसा होता है तो सबसे जो अहम और जरूरी होता है कि जो शख्स हैं उसके अंदर वो सब सुरक्षित हैं या नहीं, वो सब यहाँ सुरक्षित है या नहीं। वो ज़्यादा स्पीड मार रहा था, उसने उसने मारी आगे, बस में मारी होगा, तो पहले खड़ा था एक तो चलिए हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो बस के कंडक्टर हैं, जो परिचालक हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर सर क्या नाम है अपना? नरेंद्र जी। नरेंद्र सर बताओगे ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा जी हम 3 से करनाला के लिए चल रहे थे जी, तो यहाँ पे पहले ही एक टेंडर एक्सीडेंट था, पहले से ही एक, हाँ उसको क्रॉसिंग के लिए निकल रहे थे, उधर से ज्यादा स्पीड में असंत से आ रहा था, असंत से भी एक और दूसरा वाहन आ रहा था, वो ज्यादा स्पीड में होने के कारण उसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, उन्होंने गाड़ी के अंदर ठोक दी, बस के अंदर ठोक दी, बस के अंदर ठोक दी। तो जो सवारी थी वो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ है सारी सवारी और अपने को मंजिल तक वो जा चुके। अच्छा यानी बस को नुकसान है? हाँ जी। शुभ नाम क्या अपना? नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार, देखिए नरेंद्र कुमार ने बताया है कि जो असंध से जींद मार्ग की तरफ एक वाहन आ रहा था वो अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इससे पहले भी यहाँ पर हादसे हो चुके थे और धुंध की वजह से समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे पहले कुछ समझ पाते तो हादसा हो चुका था। और यहाँ करीब से करीब 3 से 4 गाड़ियाँ हैं जो हादसे का शिकार हो चुकी है। BN24 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि धुंध का मौसम है, अपने वाहन को बड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि हादसे बार बार जीने का मौका नहीं देते। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो हादसों के बाद भी जिंदा और सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। देखिए एक शख्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और निशान भी आपको आप देख सकते हैं किस तरह से, जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। और एक बार फिर से जो बड़े वाहन हैं वो शुरू हो चुके हैं, आवाजाही शुरू हो चुकी है और असंत पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई में जुट गए हैं। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक देखते रहें BN24 और सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ये सीधी तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं असंध के जींद मार्ग की, जहां पर 4 लाइन जो मार्ग है उसका काम चल रहा है और एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो चुकी है। चलिए इस हादसे से संबंधित कुछ और जानकारी लेने के लिए प्रयास करेंगे हम कुछ और दर्शक साथियों से, कोशिश करेंगे कि इस यहाँ पर जो हादसे हुए उन तमाम वाहनों के बारे में और जो उनके चालक हैं परिचालक हैं उन सब से भी बातचीत की जाए। हरियाणा रोडवेज की जो ये बस है वो भी इस हादसे का शिकार हो चुकी है। और तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको बस के अंदर की, कि अंदर के जो दृश्य हैं वो कैसे हैं, कहाँ तक जो ग्लास है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी जो कांच के टुकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं और ये ग्लास आपको दिखाते हैं पूरी तरह से सुरक्षित अपने स्थान पर भेज दिया गया किसी दूसरे वाहन में। टाइम से आए हो?
बंदे तो बच गए होंगे। सात बजे बस गला ऐसा बस क्या बीड़ी फिर उसका बीड़ी पर लग ला तीन बीड़ी है ये बस के साथ बड़ी है बंदे चोट तो लगी ज्यादा बच गए किस टाइम आओ दोस्त ये हादसा पता है।